गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कशन में क्वेश्चन नंबर 1 to 12 डिस्कस कर लिया था, और हमने कहा था आपको समरी वगैरह याद रखनी है, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। अब हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 to 24, इस पूरे सेक्शन में हम क्या डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 to 24। तो आइए शुरू करते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा फिजिक्स, थोड़ा क्या, मैक्सिमम पार्ट फिजिक्स का ही है इसमें, बट कोई नहीं, आप कोशिश करेंगे आप यहाँ पे सीख लें ताकि जब फिजिक्स में पढ़ाया जाए तो आपको दिक्कत ना हो। क्या दिया है, देखिए, प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इज एज शोन बिलो। एक पास्कल का मतलब होता है 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड इन 1 मीटर स्क्वायर एरिया। जब हम 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो जितना प्रेशर एग्जर्ट किया गया, लगाया गया, उसको हम क्या बोलते हैं, 1 पास्कल बोलते हैं। पास समझ आ रही है? अच्छा, इस न्यूटन की एक और यूनिट होती है, हाँ, अगर हमें वो समझ में नहीं आएगा तो दिक्कतें आएंगी। वो क्या होती है, अच्छा, फोर्स होता क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। तो बताइए, मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि हम 1 न्यूटन को 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्या? देखिए, लिखा जा सकता है कि नहीं लिख सकते हैं? तो चलिए हम इसको अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए, 1 पास्कल इज 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू, नहीं, ये क्या ना, अपॉन मीटर स्क्वायर, ये था ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये देखिए, 1 m से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमें क्या चाहिए या क्या मिल गया हमें, दैट इज 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम अपॉन, यहाँ से एक कैंसिल हो गया मीटर, और ये सेकेंड स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमें इस फॉर्म में अपने कैलकुलेशंस को कैलकुलेट करना है। देखिए आगे क्या दिया है, द नेक्स्ट इज गिवन दैट इफ द मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। आपको ये चीज वैल्यू कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखिए क्या दिया है, मास ऑफ एयर इतना दिया है ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब वो कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मास कितना दिया है, 1034 ग्राम। हमें कैसे पता चलेगा, ये देखिए यहाँ पर दिया ना सेंटीमीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एयर का मास सी लेवल पे कितना है, 1034 ग्राम है। बात समझ में आई? हाँ, आपको ये वैल्यू छोटी छोटी कैलकुलेट करना आना चाहिए, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए। तो बस, अगर आपको ये समझ में आ गया तो चलिए देखिए क्या दिया है, प्रेशर इज द फोर्स वेट, सब कुछ वही सेम है। अब देखिए हम सीधे अपने वैल्यू पे आते हैं, क्या है, देखिए प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स क्या होता है, वेट के इक्वल होता है। वेट क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी, या फिर आप ऐसे कह दो सर फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। तो देखिए मास तो आपको दिया है कितना, 1034 ग्राम दिया है, यहाँ पर एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा होगा, हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको चाहे तो 10 भी ले सकते हैं कैलकुलेशन पर्पज के लिए, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। आप 10 लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, 9.8 लेंगे तो एग्जैक्ट रहेगा, आप कोई भी लेके करिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर दोनों ही तरीके से सही आएंगे। तो देखिए मास हमने लिखा 1034 ग्राम, एक्सेलरेशन हमने लिखा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कितना, 9.8, एरिया कितना होगा, हाँ उसने दिया था ना पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। अब देखिए हम इसको अरेंज करेंगे और इस सबको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, कौन सी यूनिट में, एसआई यूनिट में। देखिए ये ग्राम दिया है, इसको क्या बनाना होगा, किलोग्राम, तो क्या हो जाएगा, 1034 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा क्या, ये देखिए कहाँ लिखा आपने,
अच्छा अभी तो इसको हमने ग्राम रखा, चलिए हम इसको नया करके दिखा देते हैं। तो हमने 1034 ग्राम को क्या लिख दिया, 1034 अपॉन 1000, दिस इज किलोग्राम। अपॉन देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखिएगा, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 1 जा 1 और सेंटीमीटर के स्क्वायर हो जाएगा। वहाँ पे क्या था, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा ये यूनिट देखिए पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, उसको हमें छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिए क्या करिए, इसको लिखिए 1034 इंटू, ये किलोग्राम लिख लीजिएगा, 9.8 को हम क्या लिखते हैं 98, और डेसिमल नोट आगे कहाँ ले जाते हैं हम, नीचे। तो ये तो है पहले से ही 1000 इंटू, इसका भी आ गया 1 10, डेसिमल नोट आया इसलिए। अब 1 सेंटीमीटर को हम क्या बनाएंगे, मीटर। तो देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होगा, होगा ना, जब सेंटीमीटर को मीटर बनाते हैं तो डिवाइड बाई 100, तो 1 सेंटीमीटर को हम क्या लिखेंगे, 1/100 मीटर इंटू, इसको भी वही लिखेंगे 1/100 मीटर, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, तो ये और ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे यहीं पे, या फिर क्या करेंगे, या अपॉन का अपॉन कहाँ चला जाएंगे, ऊपर, तो ले जाइए ऊपर, देखिए क्या मिलेगा आपको, दिस विल बी 1034 इंटू 98 इंटू 100 इंटू 100, यहाँ लिखिए 100 इंटू 100 अपॉन, नीचे क्या मिलेगा आपको, 1000 इंटू 10, देखिए काउंट करिए कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सब कैंसिल हो गए, क्या मिला आपको, 1034 मल्टीप्लाइड बाई 98, इसको सॉल्व करिए देखिए कितना आ रहा है, वी हैव गॉट 1034 किलोग्राम इंटू 98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या था हमारा, हाँ मीटर स्क्वायर था, क्योंकि मीटर इंटू मीटर, चलिए वैसे ही लिख लीजिए मीटर इंटू मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर गैप भी कर दीजिए, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं देखिए, सो दिस इज 1034 मल्टीप्लाइड बाई 98, 101332, 101332। अब देखिए यहाँ से आपको मिलेगा किलोग्राम, मीटर टूट गया, ये नीचे ही चला जाएगा, इसको भी नीचे ला लीजिए, तो देखिए क्या मिलेगा, किलोग्राम अपॉन मीटर पर सेकेंड, हाँ मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू किसके इक्वल है, पास्कल के, तो बस इसको हटा के यहाँ पे क्या लिख लीजिए आप, 101332 पास्कल। अगर आप इसको और अच्छे से लिखना चाहें साइंटिफिक नोटेशन में, तो डेसिमल लगा लीजिए कहाँ पे, 1 डिजिट के बाद, तो क्या हो जाएगा, 1.01332 इंटू, देखिए कितने डिजिट से, 1 2 3 4 5, सो 10 to the power 5 आ गया, यहाँ लिखिए 10 to the power 5 पास्कल, ये आ गया आपका आंसर, कर सकते हैं, आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, सबको पता है क्या होता है, हाँ किलोग्राम, उसको डिफाइन करना है, तो डेफिनेशन आपको पहले से लिखाया गया है, डेफिनेशन यहाँ भी लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी चाहे तो पढ़ लें, हाँ आगे बढ़ें। अगर किसी को ये डेफिनेशन समझने में दिक्कत होती है तो हमारा लेक्चर नंबर 1 देख ले, उसमें इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ये क्वेश्चन भी आपको वहीं से दिया गया है, देखिए माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 to the power 6, तो देखिए इसको किससे मैच करेंगे, ये देखिए 10 to the power -6 है माइक्रो, दूसरा, हाँ देखिए आगे करते हैं, माइक्रो का मतलब होता है 10 to the power -6, डेका का मतलब इंटू 10, मेगा का मतलब 10 to the power 6, गीगा का मतलब 10 to the power 9 एंड फेमटो का मतलब 10 to the power -15, यस 10 to the power -15, तो ये तो आपको हंसते खेलते कर लिए होंगे। नेक्स्ट देखिए,
व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स? सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, इसका क्या मतलब है आपको बताना है, तो आपको पता ही है पहले से ही, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज नॉट सर्टेन। यानी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो कि सर्टेन है और उसका लास्ट डिजिट जो कि सर्टेन नहीं होता है, दोनों सब मिलाने के बाद जो डिजिट्स आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। नेक्स्ट देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दिया है, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू बी सीवियरली कंटामिनेटेड विथ क्लोरोफॉर्म। हाँ, एक वाटर का सैंपल लाया गया और उसमें पाया गया कि क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड है। क्या है? क्लोरोफॉर्म मिक्स है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3, विच इज सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक। नेचर में ये कैसा होता है? कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक हम उन चीज़ों को कहते हैं जिससे कैंसर होता है, जिससे कैंसर होता है। द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वॉज 15 ppm बाई मास। उसमें पता किया गया है कि कितना कंटामिनेशन पॉल्यूशन उसको मिलाया गया है, दैट इज फाउंड टू बी 15 ppm। अब हमें क्या करना है? पहला काम, एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाई मास। हमें इसको क्या बनाना है? परसेंट बाई मास बनाना है। तो बहुत सिंपल है। देखिए क्या क्या हमें दिया गया है, 15 ppm दिया है ना। 15 ppm का मतलब क्या होता है? 15 ग्राम इन 10^6 ग्राम। ppm का मतलब होता है ना पार्ट्स पर मिलियन, एक मिलियन में एक ग्राम। तो 15 ppm का मतलब एक मिलियन में 15 ग्राम। तो 10^6 क्या होता है हमारा? 1 मिलियन और 15 ग्राम। तो देखिए वेट बाय वेट परसेंट कैसे लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास। मास ऑफ सॉल्यूट कितना? 15 ग्राम। टोटल मास कितना? 10^6 ग्राम। क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 100 सॉल्व कर देंगे। देखिए कितना आ जाएगा, ये 2 0, ये सब कैंसिल हो जाएंगे और आपको मिलेगा 15 × 10^-4 ग्राम, जिसको आप क्या लिख सकते हैं? 1.5 × 10^-3 परसेंट लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो सब वैल्यू किस में आएगी? परसेंटेज में आएगी। कर सकते हैं? हाँ, ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है, आप आराम से कर लेंगे। कॉन्सेप्ट क्या था? अगर 15 ppm दिया, यानी कि 15 ग्राम है आपके एक मिलियन में, ये आपने लिख लिया, ये हो गया आपका सॉल्यूट, ये हो गया आपका सॉल्यूशन, फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट आपने कर दिया। इसी का सेकेंड पार्ट देखिए आगे क्या कह रहा है। डिटरमाइन द मोलैलिटी। हाँ, मोलैलिटी पूछा दिया, ठीक है। डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। अरे मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। लेकिन हम यहाँ पे कौन सा लगाएंगे? मास वाला, यानी कि W2 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो चलिए, आपको दिया है 15 ग्राम, ये क्या है आपका? मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया है 10^6 ग्राम। यानी कि आप इसको ऐसे लिख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 1 मिलियन ग्राम, ठीक है। हम जब मोलैलिटी कह रहा है तो देखिए फॉर्मूला लिखते हैं W2 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि MM2 इंटू W1 दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। देखिए W2 कितना है? 15 इंटू 1000 अपॉन मोलर, हाँ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि क्लोरोफॉर्म है CHCl3। कन्वर्ट करिए, देखिए कार्बन 12 + 1 = 13 प्लस 35.5 होता है एक क्लोरीन का मास, एक क्लोरीन एटम का, तो 3 है तो कितना हो जाएगा? 106.5 आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इनको ऐड करेंगे हो जाएगा 119.5
फाइव, तो हमने यहाँ लिख लिया 119.5 इंटू कितना मास ऑफ सॉल्वेंट 1 मिलियन ग्राम। तो देखिए क्या क्या कैंसिल होगा, इस डेसिमल को यहाँ से हटाएंगे, ऊपर क्या चला जाएगा 10, ऊपर देखिए 1, 2, 3, 1, 4, 0 है, 4, 0 यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, आपको देखिए क्या बचा हुआ मिलेगा 15/1195 और 00। इसको सॉल्व कर देंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए पीछे सॉल्व करके दिया गया होगा, देखिए ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद आपको इतनी मिलती है। यूनिट क्या लगाएंगे आप, चाहे तो मोल पर किलोग्राम लिख सकते हैं या फिर आप चाहे तो मोलल भी लिख सकते हैं। आसान था क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन, वो तो आपको आता ही है, देखिए आंसर आपके सामने दिया है, इसमें इस डेसिमल को हम क्या करेंगे यहाँ लेके आएंगे 4 के ठीक बगल में, ठीक है आ जाएगा 4.8 इंटू। अब देखिए जब भी डेसिमल हम किधर लेके जाते हैं, राइट साइड में, तो पावर क्या होती है हमारी, डिक्रीज करती है। तो देखिए 1, 2, 3 स्टेप्स गई, पहले तो कोई पावर थी ही नहीं, तो पावर में कितना आ जाएगा 10^-3, ठीक है। अब देखिए इस केस में डेसिमल कहाँ लगेगा, यहाँ पर, तो हम यहाँ से डेसिमल को यहाँ लेके आएंगे लेफ्ट साइड, यानी कि पावर बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 2.34 इंटू 1, 2, 3, 4, 5, 10^5। अब देखिए ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8.008 इंटू 10^3। वैसे ही इसको लेके यहाँ पे आएंगे तो जाएगा 5 × 10^2। ये क्या है, ये ध्यान से देखिए पहले से ही साइंटिफिक नोटेशन में है ना, अगर आप इधर लेके जाएंगे तो भी साइंटिफिक नोटेशन ख़राब होगा, इधर लेके आएंगे तो भी ख़राब हो जाएगा, तो इसको कुछ नहीं चेंज करेंगे, इसका आंसर यही सेम रहेगा, कर सकते हैं। अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो रही है तो फिर वही बात है, आप हमारा जाके सेकेंड लेक्चर शायद है, हाँ आप सेकेंड लेक्चर में सब पढ़ाया गया, आप वहाँ से इसको देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, ये क्वेश्चन भी काफी इजी सा है। पहला देखिए 0.0025, आपको पता है लेफ्ट साइड के, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड के जितने भी जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर सिग्निफिकेंट कौन बचा, एक 2 और दूसरा 5, ये दोनों सिग्निफिकेंट है, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसमें देखिए बीच का जीरो सिग्निफिकेंट होता है कि नहीं होता है, होता है, यानी कि इसमें तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ऐसे ही इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हो गए। अब देखिए राइट साइड के जो जीरो होते हैं, एक्सट्रीम राइट साइड के, वो सिग्निफिकेंट माने जाते हैं कि नहीं, नहीं माने जाते ना, तो देखिए कितना आ गया 3, 1, 2, 6। नेक्स्ट देखिए, ये 500.0, क्या डेसिमल के राइट साइड में जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे या नहीं, हाँ वो तो माने जाते हैं ना, तो बताइए ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट और ये भी, यानी टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये बीच का है, बीच का तो माना ही जाता है, टोटल कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, कर सकते हैं। देखिए हमें राउंड ऑफ करना है कहाँ तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन 34.216, हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, हम पहले सिलेक्ट कर लेते हैं हमें कितना चाहिए 3, तो 1, 2, 3, यानी हमें वैल्यू यहाँ तक चाहिए, इन सबको हटाना है। देखिए जब 6 हटाएंगे क्योंकि अपर पार्ट है तो ये कितना हो जाएगा 2, फिर 2 को हटाएंगे क्योंकि ये 5 से छोटी है ना, क्योंकि ये 5 से छोटी है तो इसको हटाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा 34.2। ऐसे देखिए इसमें हमें 3 चाहिए तो यहाँ तक लेंगे, पहले 7 अपर पार्ट है तो ये कितना हो जाएगा 1, फिर हमें ये मिलेगा 411। अब देखिए अब हम इस 1 को भी हटाएंगे क्योंकि 1 अपर पार्ट है कि लोअर पार्ट, 5 से छोटा है तो इसको हटा देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो क्या मिलेगा हमें 10.41। फिर इस 1 को भी हटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें 10.41।
फोर। ध्यान रहे ऐसे क्वेश्चंस में आप पहले ही देख लीजिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, आप उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, हमें इससे आगे नहीं जाना है। और फिर पीछे से एक एक करके सबको राउंडिंग करते चले आइए। नेक्स्ट देखिए 0.0597, इसमें भी आपको कितना चाहिए, तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये तो सिग्निफिकेंट है ही नहीं, हमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन से मिलेंगे यहाँ तक, यानी सिर्फ हम इसको हटा सकते हैं, सिर्फ हम इसको हटा सकते हैं। ये देखिए 5 से बड़ा है ना, इसको हटाएंगे तो अपने पीछे वाले नंबर को क्या करता है, 1 प्लस करना पड़ेगा, यानी कि ये 9 से क्या हो जाएगा 10, 10 को 0 लिखेंगे, और ये 59 था तो ये क्या हो जाएगा 60, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी 0.0460। ये देखिए 459 था ना, जब ये इसको 1 दे देगा तो कितना हो जाएगा 460, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.0460, या फिर आप क्या लिख सकते हैं 0.046 भी लिख सकते हैं। बेहतर है आप कैसे लिखे, आप इसको ऐसे लिख लें, इसी फॉर्म में छोड़ दें इसको, सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए 2808, हमें इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, यानी कि यहाँ तक बस चाहिए, तो इसको हमें राउंड ऑफ करना होगा, करना होगा ना। अब देखिए ये अपर पार्ट है कि नहीं है, है ना, तो इसको जैसे ही आपने हटाया या जीरो किया आपने, इसमें प्लस वन हो जाएगा, तो 280 से 281 बन गया, और ये क्या बन जाएगा जीरो। क्या हम ये जीरो को हटा सकते हैं, नहीं। ये जीरो कब हटता, जब डेसिमल के बाद में होता, ये तो डेसिमल के पहले है ना, लेकिन डेसिमल है ही नहीं। अगर आप हटा देंगे तो देखिए नंबर कैसा बन जाएगा 281, क्या 281 2808 के आसपास है कहीं, नहीं ना, तो ऐसे आप नहीं लिखेंगे, आप इसको ऐसे ही लिख के छोड़ेंगे, इसके जीरो को आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा सही आंसर है, इसमें ये हमारा सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन व्हेन डाइनाइट्रोजन एंड डाइऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। हमें ये डेटा दिया गया है, ठीक है, देखिए क्या दिया है 14 14 28 28, ऐसे दिया ना। आप एक काम करें, किसी एक का मास फिक्स कर दीजिए, ठीक है, और आप जब मास फिक्स करेंगे तो देखेंगे क्या करते हैं, सबको 28 कर दे इधर, या क्या किया जाए 7 कर दिया जाए, चलिए 7 कर देते हैं, सबको डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 7 ग्राम, इसको भी कर लीजिए 7 ग्राम, इनको भी कर लीजिए 7 ग्राम 7 ग्राम। अब देखिए इसको 7 करने के लिए आपने क्या किया, हाँ 2 से डिवाइड किया आपने, तो इसको भी 2 से डिवाइड करिए क्या हो जाएगा 8 ग्राम, इसको भी 2 से डिवाइड करिए क्या हो जाएगा 16 ग्राम, इनको क्या किया आपने 4 से डिवाइड किया था, तो इसको भी 4 से डिवाइड करिए क्या हो जाएगा 8 ग्राम, इसको भी 4 से डिवाइड करिए ये हो जाएगा 20 ग्राम। अब हमें देख के बताइए क्या ये सिंपल रेशियो में है या नहीं है, है ना, देखिए 8 16 8 20, सब 4 के टेबल में आराम से आ जाते हैं। ये बताइए किसका रूल है, जब एक कंपाउंड के मास को हम फिक्स करते हैं और दूसरे वाले एलिमेंट के मास रेशियो को हम कंपेरिजन करते हैं और वो सिंपल रेशियो मिल जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। वो कौन सी लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन यहाँ नीचे दिया हुआ है, आप आराम से देख लेंगे, या फिर आपके नोट्स में पहले से लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लिखाया गया है, आप वहाँ से राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, देखिए पहला क्वेश्चन, हमें 1 किलोमीटर को क्या बनाना है, मिलीमीटर। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो पहला काम आपका क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट बनाना, यानी कि अगर आपको किलोमीटर दिया है तो आप पहले उसको क्या बना लेंगे, मीटर बना लेंगे, क्योंकि जब तक आप वो काम नहीं करेंगे आप आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी ही आएगी, ठीक है। तो पहले हमने किलोमीटर को क्या बना लिया, मीटर, कितना मीटर मिला हमें 1000 मीटर। अब मीटर से मिलीमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 10^3। जब भी बड़े यूनिट से छोटा यूनिट करते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई,
और जब छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड। तो देखिए 10^3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब पहले से देखिए 1, 2, 3 था, 3 0 और आ गया, टोटल कितने हो गए 10^6। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसी का, 10^ हमें निकालना था ना, छोड़िए पीको मीटर में, तो फिर से हमें मीटर में आंसर चाहिए पहले। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब आपको पता है कि 1 मीटर में कितने पिकोमीटर होता है, 10^12 पिकोमीटर होते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 10^12 कर दिया हमने, पहले से 1, 2, 3, 0 थे, 12 और है, यानी टोटल कितने हो गए 10^15। ये आ जाएगा आंसर। अब आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम पीको का 10^12, मिली का 10^3 ये सब कहाँ से लिख रहे हैं, तो फिर आपको लेक्चर नंबर 1 दोबारा देखने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर प्रीफिक्स हम पढ़ाए हैं लास्ट में, और वहाँ पर ये सारी चीज़ एक्सप्लेन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मिलीग्राम को किलोग्राम बनाना है। हमने कहा ना, आप पहले डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करें, पहले आप स्टैंडर्ड यूनिट में लेके आएंगे, यानी मिलीग्राम को क्या बनाएंगे, ग्राम। मिलीग्राम और ग्राम में छोटा कौन है, मिलीग्राम। अभी हमने कहा कि जब भी छोटे को बड़ा बनाइए क्या करिए, डिवाइड करिए। तो देखिए 1 / कितना, 10^3, ऊपर जाएगा तो क्या बन गया, 10^-3 ग्राम। अब देखिए ग्राम को किलोग्राम बनाना है, फिर डिवाइड करना पड़ेगा 10^3 से, ये भी ऊपर जाएगा 10^-3, फिर -3 - 3 क्या हो जाएंगे, हाँ -6 हो जाएंगे, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10^-6 किलोग्राम। एक तो ये हो गया, दूसरा अब हमें किसको बनाना है, नैनोग्राम में। नैनो का रिलेशन 10^9 का, फिर 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10^-3 ग्राम, अभी हमने ऊपर करके दिखाया था। अब देखिए 1 ग्राम बड़ा होता है नैनोग्राम से, तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, नैनो का रिलेशन होता है 10^9 का, मल्टीप्लाई बाय 10^9। ये देखिए +9, -3, इनको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, +6, यानी कि आंसर आएगा 10^6 नैनोग्राम। क्या आ जाएगा, 10^6 नैनोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू, ये तो आपको पता ही है, नहीं पता है कोई बात नहीं, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। देखिए मिलीलीटर छोटा होता है, लीटर बनाना है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए 1/10^3 ऊपर लेके जाएंगे, क्या जाएगा, 10^-3 लीटर। और ये चीज़ तो हम आपको पहले ही बताए थे कि 1 मिलीलीटर किसके इक्वल होता है, हाँ 10^-3 डेसीमीटर क्यूब के। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आपको ये तो पता ही होगा कि 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1000 लीटर के, और 1 डेसीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 लीटर के। यानी कि अगर 1 लीटर है तो 1 डेसीमीटर क्यूब होगा, तो बताइए 10^-3 लीटर है तो कितना डेसीमीटर क्यूब होगा, 10^-3 डेसीमीटर क्यूब होगा। कैसे पता चलेगा, देखिए जितना लीटर उतना डेसीमीटर क्यूब, यानी हम लीटर को डेसीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ जो लीटर था हमने इसको यहाँ पर डेसीमीटर क्यूब बना दिया, नंबर वही सेम सेम रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों वाला क्वेश्चन है, एट द स्पीड ऑफ लाइट इज 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 2 नैनो सेकेंड। बस आपको यहीं पर ध्यान देना है, नैनो का मतलब 10^-9 सेकेंड। अगर आपने इसी का ध्यान दे दिया तो फिर आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपको दिया है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। यूनिट्स का बड़ी ध्यान रखना आपको, मीटर और सेकेंड में आपका जो इस टाइम दिया है स्पीड ऑफ लाइट वाले के लिए वो क्या दिया, नैनो सेकेंड, तो सेकेंड तो मैच कर ही रहा है, दिक्कत कहाँ है, नैनो, नैनो को क्या बना लीजिए, मीटर। देखिए जब नैनो को मीटर बनाना होता है तो डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 10^9 से, तो ये होगा 10^-9 और ये हो जाएगा 10^8, पहले से ही दिया हुआ है, +8 और -9 सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, -1 आता है, 3×6×10^-1 यानी कि 0.6 मीटर। 10^-1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/10,
इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 6/10 जिसको हम क्या लिख सकते हैं 0.6 मीटर लिख सकते हैं, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आपको एक रिएक्शन दिया गया है A+B2=AB2, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग मिक्सचर। आपको बताना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। पहला 300 एटम ऑफ ए एंड 200 मॉलिक्यूल ऑफ बी। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है, जो पहले खत्म होता है। अगर आपको अमाउंट स्पेसिफाइड करके दिया गया था तो आप कैलकुलेट करके बताते थे, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं पता ये ए कौन सा रिएक्टेंट है, कैसा इसका नेचर है, हमें तो कुछ भी नहीं पता। तो बस जो डेटा दिया हम उसी को देख के बताएंगे। कह रहा है कि आपके पास ए कितने हैं 300 हैं और बी कितने हैं 200। तो आप हमें बताइए कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। अच्छा लिमिटिंग रिएजेंट कौन होते हैं, जो पहले ख़त्म होते हैं। अच्छा इन दोनों में से पहले ख़त्म कौन होगा, हाँ बी खत्म हो जाएगा ना, तो इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, बी हो गया। अब देखिए 2 मोल ए और 3 मोल बी, इसमें पहले ख़त्म कौन हो जाएगा, 2 मोल ए, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, 100 एटम्स ऑफ ए एंड 100 एटम्स ऑफ बी। अब ए भी 100 है और बी भी 100 है, तो दोनों में पहले कौन खत्म होगा, कोई नहीं, दोनों एक साथ खत्म होंगे, यानी कि इसमें कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, नो लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट देखिए 5 मोल ए एंड 2.5 मोल बी, पहले खत्म कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि कम है तो लिमिटिंग रिएजेंट बी हो गया। अब देखिए कह रहा है 2.5 मोल ए एंड 5 मोल बी, अब कौन पहले खत्म होगा, ए, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, ए। एक बार फिर कह रहे हैं ये तरीका सिर्फ इसलिए वैलिड हो रहा है क्योंकि आपको ये नहीं पता कि कौन सा रिएक्टेंट का क्या नेचर है। अगर यहाँ पे H2O2 उसके मास मोल्स दिए होते तो आप ऐसे डायरेक्ट नहीं बताते, फिर आपको जो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट सिखाया गया है आप वहाँ से कैलकुलेट करके बताते, कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन हमारे सामने दी गई है, हमें क्या करना है, देखिए पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 10 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 10 ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो बहुत सिंपल है, इसके लिए हमें पहले क्या निकालना होगा, लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि बिना लिमिटिंग रिएजेंट हमें कैसे पता चलेगा कौन पहले ख़त्म होगा। तो चलिए पहला काम लिमिटिंग रिएजेंट, उसके लिए क्या करना होगा, हमें इनके मोल्स पहले निकालना होगा, फिर मोल्स को क्या करना होता है, इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। तो पहले रिएक्शन लिख के बैलेंस कर लीजिए, ये हो गई बैलेंस्ड रिएक्शन। ठीक है, अब मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए क्या करना होगा, मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई, हाँ मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, तो देखिए इसका मास 2000 ग्राम दिया है, ठीक है, डिवाइड बाय मोलर मास, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मोलर मास कितना आएगा, 28 ग्राम, क्योंकि ये N2 है, N नहीं है, तो डिवाइडेड बाय 28, देखिए सॉल्व करके कितना आएगा, 71.42, ये क्या है, मोल्स। इसको क्या करेंगे, 1000 डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मोलर मास 2 होगा क्योंकि 2 एटम है, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 500 मोल्स। लेकिन यहाँ से हम नहीं बता सकते कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, यहाँ से तो मोल्स है ना, अभी आप देख के कह सकते हैं सर लिमिटिंग रिएजेंट यही है, हाँ हो सकता है कि वही रहे, लेकिन हम ऐसे नहीं बताते, हम क्या करते हैं मोल्स को उनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है, यानी कि 71 को इसका कोएफिशिएंट कितना होगा, 1, ये तो सेम आएगा 71, 500 को इसका कोएफिशिएंट कितना है, 3, इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आता है, 166 point something आएगा, कितना आएगा, 166 point something। अब देखिए 166 छोटा है या 71, यानी कि एक बात तो तय है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, नाइट्रोजन, तो बस हमारा काम तो बन गया। अब हम नाइट्रोजन के बेस पर प्रोडक्ट बना देंगे, 1 मोल N2 से हमें क्या मिलेगा,
दो मोल अमोनिया, रिएक्शन ऊपर लिखी हुई थी क्या थी, N2 प्लस 3H2 गिव्स अस 2 टाइम्स ऑफ NH3, क्योंकि मेरा लिमिटिंग रिएजेंट अमोनिया है। तो देखिए एक मोल नाइट्रोजन, सॉरी लिमिटिंग रिएजेंट अमोनिया नहीं है, नाइट्रोजन है, तो एक मोल नाइट्रोजन से हमें क्या मिलेगा, दो मोल अमोनिया मिलेगा। तो बताइए 71.42 मोल नाइट्रोजन से कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। लेकिन हमसे मास पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे, मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। मोलर मास ऑफ अमोनिया देखिए कितना आएगा, 17, तो मल्टीप्लाई बाई 17 कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, आ गया आपका आंसर। ये था इसका एक पार्ट, आई थिंक इसमें एक आध पार्ट और है, देखते हैं, नहीं 15 खत्म। सो नेक्स्ट समरी, आपको हम समरी करा देते हैं, आपको ये समरी पूरी कोशिश करनी है कि याद हो जाए। देखिए क्या था पहला कंसंट्रेशन टर्म, वेट बाई वेट परसेंट, इसमें पहला W क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, दूसरा क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। सो देखिए W2/W3 यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। अब देखिए वेट बाई वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। वी बाई वी का फॉर्मूला, हाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। नेक्स्ट हमारा वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, ये क्या होता है, वेट बाई वेट परसेंट इंटू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हाँ यानी कि अगर आपसे कोई पूछ ले वेट बाई वॉल्यूम परसेंट और वेट बाई डेंसिटी, सॉरी वेट बाई वेट परसेंट में क्या रिलेशन है, सो आप कहेंगे सर वेट बाई वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू वेट बाई वेट परसेंट मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला था मोलैरिटी, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन हम हमेशा किस फॉर्म में यूज करते हैं, मास वाले फॉर्म में, हम क्या लिखते हैं इसको, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सो दिस विल बी W2/mm2। और ये जो वॉल्यूम इन लीटर दिया है इसको हम किस में रखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 1000, सो W2/1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट तो आपको आइडिया लग ही गया होगा, किस में, वेट बाई वेट परसेंट में क्या था मोलैरिटी का फॉर्मूला, 10 × डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई वेट परसेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसका वेट बाई वॉल्यूम परसेंट में भी एक रिलेशन है, क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 × वेट बाई वॉल्यूम परसेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आपको याद कैसे रखना है, अगर आपको ये याद है तो आपको ये भी पता होगा वेट बाई वेट परसेंट इंटू डेंसिटी का फॉर्मूला कितना बनता है, वेट बाई वॉल्यूम के इक्वल, अभी ऊपर पढ़ा हमने, तो इस सबको हटा के हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट बन गया हमारा फॉर्मूला। नेक्स्ट है मोलैलिटी, मोलैलिटी m इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। इसका सेकेंड फॉर्मूला, हाँ W2/mm2, दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जिस किसके इक्वल होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। अब जो हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट इसमें दिया है किलोग्राम में, उसको इसे बना लेंगे ग्राम में, तो मल्टीप्लाई बाई 1000 कर देंगे। नेक्स्ट देखिए मोलैरिटी और मोलैरिटी में रिलेशन, सो मोलैरिटी m इज इक्वल टू 1000 times of molarity अपॉन 1000 times ऑफ डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये बहुत ही काम का रिलेशन है, आपको पता होना चाहिए, कई बार आपसे मोलैरिटी दे के मोलैरिटी पूछ लेगा, तो आपको यहाँ से कैलकुलेट करने आना चाहिए। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काई से, लेकिन हम इसको क्या पढ़ेंगे, इन जनरल एक्स ही पढ़ेंगे, तो X2 इज इक्वल टू हाँ N2/mT यानी कि टोटल मोल्स। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, X1 दैट इज N1/mT यानी कि जिसका निकालना है उसके मोल्स, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे हैं तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेंगे अपॉन टोटल मोल्स। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाल रहे हैं, तो हम क्या लेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स। नेक्स्ट देखिए
इम्पोर्टेंट रिलेशन ये था, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी मोल फ्रैक्शन होते हैं उनका सम क्या आता है, 1, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दोनों का सम हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट हमारा ppm, पार्ट्स पर मिलियन, हाँ पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, वेट बाई सॉल्यूट या वेट बाई वेट परसेंट कह लीजिए, वेट अपॉन वेट दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 10^6। क्यों? क्योंकि मिलियन का मतलब होता है 10^6 का ऑर्डर। अब इसका दूसरा टर्म आप कैसे लिख सकते हैं, वेट बाई वेट परसेंट। उसके लिए क्या करना होगा, इस पावर को 2 times कम करना होगा, यानी कि वेट बाई वेट परसेंट इंटू 10^4। नेक्स्ट देखिए, पार्ट्स पर बिलियन दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10^9। लेकिन जब आप वेट बाई वेट परसेंट लिखेंगे तो पावर को फिर से 2 से डिक्रीज करेंगे और वो कितना हो जाएगा, 10^7। क्यों हो रहा है ये हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, आप पुराने लेक्चर्स लेक्चर नंबर 20 देख लीजिए, वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया गया है। टिल दैट थैंक यू सो मच।